दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। इन दिनों समूचे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ही चल रही है। महिलाओं को वोट के लिए आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल तरह तरह के काम कर रहे हैं, उन्हें ललायत कर रहे हैं। लेकिन मंडला जिले की जो आदिवासी इलाका है, उनके गांव की दो महिलाएं, या यूं कहें कि मामा की दो बहनाएं, दर दर ठोकरें खा रही हैं। वही भी किस लिए? उनके सामने यह संघर्ष है कि वो आखिर अपने जिंदा होने का सबूत कहां पेश करें और कैसे पेश करें। जी हां, निवास की गौराबाई और मंडला के तिंदरी गांव की मालती बाई, ये दो महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित किया जा चुका है। अब बीते कई माह से कभी यह पंचायत की ओर जाती हैं, कभी जनपद की ओर जाती हैं, कभी सरपंच के पास जाती हैं, तो कभी सचिव के पास जाती हैं और यह बताती हैं कि देखो मैं जिंदा हूँ। लेकिन उनके मैं जिंदा हूँ कहने के बावजूद भी तमाम सिस्टम कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड में वे तो पहले ही मर चुकी हैं। बहरहाल मामला कुछ ऐसा है कि इन दोनों महिलाओं को सरकार की कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, और यहाँ तक कि लाडली बहना का लाभ जो इन्हें मिलना चाहिए, जो ये हकदार हैं, वह भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, लाडली योजना ना पेंशन, कुछ भी लाभ नहीं मिल रहे है। नहीं मिल रहा है। अब जे पंचायत में तो मेरा नाम ही नहीं है, मर चुका है, मृत्यु घोषित हो गया है, और मैं जिंदा हूँ तो मेरे को कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। कागज लेके कहीं भी जा रहे हैं तो मेरे कागजात बता रहे हैं कि इसमें मृत्यु घोषित है, तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। तो कौन ने मारा है, कौन ने कैसा करा है, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, ना हमारे पोसने पालने। अब सवाल जब सिस्टम की ओर करें तो पता चलता है कि पंचायत में सरपंच नहीं है तो कभी सरपंच है तो सचिव नहीं है, और कभी सचिव है तो सीओ साहब दौरे पर हैं। जी हाँ, मालती बाई ने अवगत कराया था, मुझे आई थी मेरे पास वो, तो मैं उनका डॉक्यूमेंट चेक किया, देखा कि ये वास्तव में उनका कहना सही साबित हुआ। उनको क्या 4 मई 2019 से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, और उन्हें क्या है मृत्यु घोषित कर दिया गया है रोजगार सहायक के माध्यम से, और मैंने रोजगार सहायक। आखिर मीटिंग ईटिंग के और इस मामले में इन महिलाओं का दोष क्या है? लेकिन फिर भी जब मीडिया में यह खबर फैलने लगी तो आनन फानन में कुछ कवायदें तेज हुई, लेकिन अब तक भी ये दो महिलाएं दर दर ठोकरें खा रही हैं और बता रही हैं कि वे अभी जिंदा हैं। मुझे उम्मीद है कि सिस्टम में इन दो महिलाओं को ला करके इनके दस्तावेज में सुधार करने की एक सक्रिय कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।